जो इस्लामिक बच्चे और मुस्लिम बच्चे वो आपस में कोई भी भेदभाव नहीं करते जात पात का। हे गाइस, इट्स क्रिस्टीन, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस आज मैं डॉक्टर जाकिर नायक के एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक। ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, डू फॉलो अस। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Ask for a gate. Please open a true news channel. क्या मतलब हुआ इस बात का? अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स हैं, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। अंडरस्टूड। वो भी प्लीज़ सर, एक मिनट, आई वांट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया, आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था, ठीक है। आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आप के चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 ईयर से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम ए फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है धापुड़ी पुणे में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते, बिल्कुल अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुभाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाल्लाह कई लोग माशाल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के
मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट, ये एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह समय सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाल्लाह, बहन का काफ़ी मुताला है इस्लाम के बारे में और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूँ, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होंगी, और ये कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। क्या बात है। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हर्क्यूलेंट टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। yes. कि अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के ज़रिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाल्लाह है जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ। क्या बात है। 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेज़ी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें, एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर चैनल, न्यूज़ चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल हो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूँ, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज़ चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट इम्पॉसिबल। मैं नहीं जानता कोई न्यूज़ चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। यस इंडीड। न्यूज़ चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है, न्यूज़ चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज़ चैनल हो जो हक की बात फरमाएं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ौका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्स ख़त्म होने वाला है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कैसे मैम को बात कर रहे थे कि काफ़ी तारीफ की उन्होंने इस्लाम के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो इस्लामिक बच्चे और मुस्लिम बच्चे वो आपस में कोई भी भेदभाव नहीं करते जात पात का, विच इज़ कमेंडेबल एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर कोई इतनी तारीफ कर रहा है इस्लाम की एंड मुस्लिम्स की इन जनरल, तो बहुत अच्छा लगा। शी हैड अ गुड नॉलेज अबाउट द रिलीजन इस्लाम एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ बोली कि अपनी डिमांड रखी, रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ट्रू न्यूज़ चैनल चाहिए, विच वी आर ऑल अवेयर थी क्यों चाहिए। एंड अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छा एंडेवर था। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हियर डॉक्टर ज़ाकिर नायक, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं। So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.